के पै कर में रहमते हक दिखाई देती हो जो खिरादी की बात है बद हो शिवाला जाने लेकिन सुनने वालों ने सुनी होगी कहानी लाखों और बर्बाद हुई होंगी जवानी लाखों कहना है कि सुनने वालों ने सुनी होगी कहानी लाखों और बर्बाद हुई होंगी जवानी लाखों नज्म लोगों ने की होंगे हजारों किस्से नक्श दिल पर भी हुए होंगे हजारों किस्से मेरे अल्लाह मेरे हाल पे करना तू करम तोड़ना है मुझे इन झूठे खुदाओं का भरम 1400 साल की तारीख मेरे जहन में है देशहूर है मेरे अल्लाह मैं उठाता हूँ कलम कि ये कोई फिल्म नहीं है ना ड्रामा कोई ना कोई इसमें अदाकार ना किस्सा कोई हाँ मगर नज्म के खालिक है जनाबे आजाद दोस्तों जीनते महफिल है किताबे आजाद कब्र में
बच्चियां कुर्बान करते थे बुतों की नजर में। बुत परस्ती को अचानक एक दिन खदशा हुआ, आसमां पर रोशनी होने का है क्या माजरा। जमाते कुछ लोग आपस में यही करते थे बात, एक नजूमी आन कर बोला, सुनो ये वाकयात के एक पैगंबर की आमद का ये फैला नूर है। उसकी आमद है यकीन, वो दिन नहीं कुछ दूर है। उसकी आमद से बूतों पर जलजला जाएगा, एक खुदा की जात के कलमे को वो पढ़वाएगा। पूछा लोगों ने कोई तरकीब टलने की है, बोला काहिन हाँ फकत तरकीब टलने की है। क्या लड़की की दो और उम्र हो 10 साल की, बस यही तरकीब है इस उलझन जंजाल की। एक काफिर ने बड़े मजमे में ये आवाज दी, कल के दिन पूरी करूंगा मैं भूतों की ये खुशी। कैसे लड़की है जिसकी उम्र है 10 साल की, अपने माँ की मामूता कारण जो अब तक है बची। कल के दिन की बात जब आपस में सब तय हो गई, लोग अपने घर चले हंसते हुए राजी खुशी। खुशी थे कल के दिन से ये बला टल जाएगी, आने वाली जो मुसीबत है ना आने पाएगी। तान कर सीना अकड़ता जब वो काफिर घर गया, तय हुआ था जो भी कुछ वो अपनी बीवी से कहा। शौहर से जब बेटी ने दफनाने की बात, आ गए आंखों में आंसू, रह गई वो मल के हाथ। हुक्म शौहर का किसी सूरत में टल सकता न था, क्या करे मजबूरी थी कुछ चारा चल सकता न था। रात जब आई तो शौहर सो गया आराम से, नींद बीवी को ना आई सुबह के अंजाम से। रात भर फरते गम आलाम से रोती रही, बेटी की उल्फत में वो अशकों से मुंह धोती रही। अपनी बेटी का वो चेहरा बार बार आए हैं, रात भर बिस्तर पे वो रोती रही जारो कतार। अलगर जब रात गुजरी और सवेरा हो गया, आईने में जिंदगी का अक्स धुंधला हो गया। अपने कांधों पर उठाने के लिए माँ चली बेटी को नहलाने धुलाने के लिए। बेटी थी मासूम, हंस हंस कर नहाती जाती थी, मामूता के जख्म पर नशतर लगाती जाती थी। सवारा प्यार से, आंसुओं से बेटी का सदका उतारा प्यार से। माँ को रोता देख कर बेटी ने पूजा प्यारी माँ, रो रही होगी इसलिए बतलाओ मेरी अच्छी माँ। कुछ नहीं बस यूं ही आ
सासु आ गए, आज कुछ अच्छे नहीं लगते हैं ये कपड़े तेरे। अरे आ तुझे दुल्हन बना दूं आज अपने हाथ से, आ तुझे खाना खिला दूं आज अपने हाथ से। आज तू भी देवता पर फिदा हो जाएगी, आज तू भी देवता पर फिदा हो जाएगी, शाम तक बेटी तू मुझसे जुदा हो जाएगी, शाम तक बेटी तू मुझसे जुदा हो जाएगी। सुन के वो मासूम बच्ची उठ के रोने लगी, मां लगा कर अपने सीने से यही कहने लगी कि यूं ना मगमूम हो मेरी बच्ची, तेरी इमदाद मौला। इसी में खास बात है, एक बेदर्द बाप अपनी बेटी को जबरदस्ती घसीट के ले जा रहा है दफनाने के लिए, लेकिन उस 10 साल की हिम्मत देखिए, रास्ते में अपने बाप से क्या कहती है, क्या क्या इल्तिजा करती है, लेकिन आगे क्या होता है सुनिएगा। दोपहर का वक्त जब गुजरा तो लोग आने लगे, जश्न की तैयारियां करने लगे छोटे बड़े, माता की मारी माँ बैठी थी बेटी को लिए, जल रहे थे घर में हर सू उसके अशकों के दिए, माँ तड़पती थी कि खाली गोद अब हो जाएगी, तन्हाई में कैसे नींद मुझको आएगी। रफ्ता रफ्ता होने लगी जश्न की तैयारियां, जमा एक मैदान में सब हो गए पीरो जवान, आया काफिर घर में बच्ची को बुलाने के लिए, गिर पड़ी कदमों पे मां उसको मनाने के लिए, बोली माँ मासूम बच्ची पर रहम फरमाइए, जान इस मासूम की लेने से बाहर आ जाइए, अरे क्या मिलेगा आपको बेटी के दफनाने के बाद, सूना घर हो जाएगा बेटी के मर जाने के बाद। कुछ न माना और वो लड़की को लेकर चल दिया, आलम से चाक होकर रह गया, फावड़ा कांधी पर रखकर जा रहा था वो लई, नंगे पांव रोते रोते जा रही थी नाज़नी, बाप से बेटी ने थोड़ी दूर पे चल कर कहा, क्यों नाराज है कुछ तो बता दीजिए जरा, थक गए हो लाओ मैं लेकर चलूं ये फावड़ा, हो गए हो अब्बा जा क्यों अपनी बेटी से खफा, जिद करूंगी अब ना बाबा मैं किसी भी बात पर,
बिन खिलौने खेलूंगी हम झोलियों में बैठ कर। अब मैं गुड़िया भी न खेलूंगी अगर बोलोगे तुम, अब मैं पैसे भी न मांगूंगी अगर बोलोगे तुम, भूखी रह लूंगी मगर लब को हिलाऊंगी न मैं, कपड़ों की खातिर भी है बाबा सताऊंगी न मैं। बेटी की बातों का होता था न कुछ उस पर असर, उसको धुंधी चल के मैं दफना दूं इसको जल्द तर। अनवर जब आ गए सब लोग रेगिस्तान में, घंटे और नाकूश की गूंजी सदा मैदान में, फावड़ा लेकर गढ़ा एक खो दिने का फिर चला, कुछ ना उस मासूम की परवाह की दिल में जरा, पाप से जब कब्र बेटी की न तन्हा बन सकी, नन्ने नन्ने हाथों से बेटी ने भी मुदा की, छोटे छोटे हाथ से वो रेथटाती जाती थी, अपने हाथों कब्र खुद अपनी बनाती जाती थी। कर लिया तैयार उस बदबख्त ने जिस दम गढ़ा, या खुदा वो किस कदर मंजर कयामत खेज था, बाल जो माने सवारे थे वो पकड़ा बाप ने, अपनी बेटी को गढ़े में हाय फेंका बापुनी, हाय वो मासूम जब गहरे गढ़े में आ गई, जोड़ कर हाथों को अपने बापू से कहने लगी, खैर मैं तो मर ही जाऊंगी मगर बाबा जा, मेरी अम्मी को न बतलाना है मेरे बाबा जा, वो अगर पूछे तो कहना खेलती होगी कहीं, वो अगर रोए बाबा उनको कुछ कहना नहीं। आ गई जब रेत गर्दन तक हुआ तू भर कलाम, बोली मेरी अम्मी से कहना मेरा बाबा सलाम, यक मैं फिर कब्र में लाचार दब कर रह गई, हाय वो मासूम जिंदा दफन होकर रह गई, फैला था हर सू अंधेरा हो चुकी थी कब की शाम, चल दिए दफना के जालिम घर की जानिब तेज गाम, रेत के दूध के पीछे माँ जो बैठी थी छुपी, जालिमों के जाते ही फौरन गढ़े पर आ गई, आते ही फौरन झुकी वो रेत हटाने के लिए, शख्स हाथ उसका बटाने के लिए, जल्दी जल्दी रेत हाथों से हटाते जाते थे, धीरे धीरे बेटी को बाहर बुलाते जाते थे, जिस घड़ी बाहर निकाला रेत से थी वो अटी, नब्ज धीरे धीरे चलती थी मगर बेहोश थी, पाती खेमा था उसका पानी लाया जल्दी।
लगा कि हाथ अपने दुआ को उठा दे, तेरे दुख दूर अल्लाह।